कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी लेने के लिए मची होड़। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रियंका के साथ सेल्फी लेने के लिए मची होड़। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रूरल इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी के 3 चरणों का मतदान हो चुका है। विधानसभा चुनाव के 4th चरण का मतदान कल यानी 23 फरवरी को होना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज हरदोई जिले की माधवगंज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर लौट रही थी, तो वहीं हरदोई के ही मल्लावा चौक पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने बैनर पोस्टर के साथ उन्हें घेर लिया और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए अड़ गए। यही नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी से उनकी पार्टी के पोस्टर पंपलेट के साथ हैंडबैंड की भी मांग की। इन सभी चीजों को मुहैया कराकर प्रियंका गांधी ने गाड़ी से निकलकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी ली और उनसे कुछ बातचीत भी की। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव भी चुनाव के लिए लगातार प्रचार प्रसार जनसभा व रोड शो कर रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण 7 मार्च को है, 4th चरण कल। अब बचे हुए 3 चरणों के लिए प्रचार जोर शोर पर जारी है। इसी क्रम में प्रियंका गांधी लगातार पार्टी के लिए मेहनत कर रही है। आज जब वो हरदोई पहुंची तो अजब मामला सामने आया, जहां भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने उन्हें घेर कर सेल्फी लेने के लिए कोशिश की। प्रियंका गांधी ने पुलिस आदमी के साथ उनके साथ सेल्फी खिंचवाई और उनकी सारी बातों को सुना। और भी क्षेत्रीय खबरों के लिए, राजनीतिक खबरों के लिए आप रूरल इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए।